नमस्कार, बहुत काम के टिप्स समय निकाल कर जरूर सुनिए। नंबर वन, प्रातः काल पेट एक लहसुन कली दही के साथ 2 महीने तक लगातार लेने से जोड़ों के दर्द में आशातीत लाभ प्राप्त होता है। नंबर दो, कम सुनाई देता हो तो उंगली पर नारियल का तेल लगाकर कान में फेरो, सुनाई देने लगेगा। नंबर तीन, काले अंगूर पेट की सफाई के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। नंबर चार, गर्मी के दिनों में पानी में पुदीना डालकर पिया करें, इससे आपका पेट ठीक रहेगा। नंबर पाँच, प्याज के कुछ टुकड़े काट कर कमरे में रखने से जुखाम की बीमारी नहीं होती है। नंबर छः, पाँव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो उसका सीधा असर नज़र पर पड़ता है और नज़र कमज़ोर हो जाती है। नंबर सात, गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दे की बीमारी नहीं होती है। नंबर आठ, हफ्ते में एक बार नारियल का पानी जरूर पिएं, इससे शरीर गोरा रहता है। नंबर नौ, गर्म खाना खाने से दिल की बीमारी हो जाती है। नंबर दस, नाशपाती खाने से आपके अंदर ताकत आना शुरू हो जाएगी और कमजोरी दूर हो जाएगी और शरीर हष्टपुष्ट रहेगा। नंबर ग्यारह, सुबह खाली पेट उबले हुए चने खाने से कभी याददाश्त कमजोर नहीं होती है। नंबर बारह, चाय का ज़्यादा सेवन करने से आपको गैस की दिक्कत हो सकती है। नंबर तेरह, हरी शिमला मिर्च मोटापे को कम करने में मदद करती है। नंबर चौदह, हाथों से कपड़े धोएं, इसे डिप्रेशन कम होता है। नंबर पंद्रह, जो खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है उसको बहरेपन की बीमारी हो जाती है। नंबर सोलह, सोकर उठने के बाद भी नींद आने लगे तो आंखें बंद होने लगे तो जान लो आपका दिमाग कमजोर हो रहा है। नंबर सत्रह, आपके शरीर में अगर आयरन की कमी है तो पोहा खाने से इसकी कमी दूर हो जाती है। नंबर अठारह, पेट के बल सोने से कमर दर्द में आराम मिलता है, क्योंकि इस तरह सोने से आपके रीढ़ की हड्डी सामान्य आकार में रह पाती है। नंबर 19, गले की खराश को दूर करने के लिए 2 से 3 तुलसी की पत्ती को पानी में उबालें और उसका गरारा करें, कुछ ही समय में खराश से राहत मिलेगी। नंबर 20, कभी टेक लगाकर खाना मत खाओ, इससे सांस की बीमारी होने का खतरा रहता है। नंबर 21, जिस सुराग से कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो रहे हों वहां खजूर की गुठली रख दो, कीड़े मकोड़े निकलना बंद हो जाएंगे। नंबर 22, रोजाना सुबह खाली पेट 3 से 5 काजू खाकर ऊपर से थोड़ा सा शहद चाटने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग कमजोरी दूर होती है। नंबर 23, रात को दूध में 1/2 चम्मच हल्दी डालकर पीने से इंसान पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। हल्दी का सेवन बूढ़े चेहरे को भी जवान कर देता है।
नंबर 24, ज्यादा थूक फेंकने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और दिमाग कमजोर पड़ने लगता है। नंबर 25, सूखी धनिया के 3-4 दाने चबाने से उल्टी नहीं आती है। नंबर 26, पैर में कांटा लग गया है तो और यदि कांटा निकल नहीं रहा हो तो गुड़ पिघलाकर उसमें अजवाइन मिलाकर उसकी लुगदी बना लें और कांटे के स्थान पर बांध दें, कांटा निकल जाएगा। नंबर 27, पैरों के तलवे की सरसों के तेल से मालिश नियमित करने से आंखों की रोशनी लंबे समय तक कायम रहती है। नंबर 28, रोजाना एक सेब खा लेने से इंसान बीमारी से बचा रहता है। नंबर 29, तेज बुखार आने पर माथे पर ठंडे पानी का कपड़ा रखे तो बुखार उतर जाता है और बुखार की गर्मी सिर पर नहीं चढ़ती है। नंबर 30, सूखे पान के पत्ते का चूर्ण चबाकर इस चूर्ण को शहद में मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो करें और ये आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर पसंद आए हों तो इसे ज़रूर लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी करें। मैं इसी तरह से आपके लिए आसान से टिप्स लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बटन को ऑल पे सेट जरूर रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।